हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑन द चैनल डायचोडियो बायोलॉजी। सो बच्चों, आज आपका ये संजय यादव बहुत स्वागत करता है बहुत अच्छे दिल से, ठीक है। प्लस आज हम बच्चों आपके लिए ले आए हैं क्या पार्ट 20, जिसमें बच्चों हम अपना कहीं हद तक एक्सक्रिय सिस्टम खत्म कर देंगे। इसके बाद बस आपको एक पार्ट और देखना है और बच्चों आपका लाइव प्रोसेस फिनिश। आपका लाइव प्रोसेस हम बच्चों क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे बच्चों, है ना। इसके बाद हम अपना इलेक्ट्रिसिटी चालू करेंगे और कुछ हम लोग क्वेश्चन सीरीज भी लेके आएंगे बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आज हम जो स्टार्ट करना है टॉपिक, वो हम पढ़ाने वाले हैं क्या बच्चों, डायलिसिस। क्या पढ़ाने वाले हैं? डायलिसिस। तो डायलिसिस हम लोग बच्चों कब करते हैं? डायलिसिस एक मशीन का नाम है, एक प्रोसीजर भी है, जिसमें बच्चों हम लोग क्या करते हैं, ब्लड का फिल्ट्रेशन करते हैं। क्या फिल्टर करते हैं बच्चों? ब्लड का फिल्टर, ठीक है। अब ब्लड का फिल्टर हम लोग कब करेंगे? तो बच्चों आपको पता है, दो केसेस में हम लोग ब्लड का फिल्टर करते हैं, या फिर तो आपकी किडनी फेल हो जाए, सॉरी आपकी ना हो, भगवान ना करे, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं हम लोग डायलिसिस उस कंडीशन में करते हैं जब मान के चलो किसी की किडनी बच्चों क्या हो चुकी है, फेल हो चुकी है, या फिर कोई ना कोई एक्सीडेंटल इंजरी हो चुकी है आपकी किडनी में, जिसकी वजह से आपकी किडनी क्या हो रही है बच्चों, प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है। तब इन दोनों केसेस में आपके डॉक्टर्स जो होते हैं एज अ प्रेफर करते हैं डायलिसिस को। डायलिसिस बच्चों क्या होती है? एक मशीन होती है जिसको हम लोग आर्टिफिशियल किडनी के नाम से बच्चों जानते हैं। आर्टिफिशियल किडनी क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चों जो ब्लड आपकी बॉडी के अंदर फिल्टर होता है, उस ब्लड को हम लोग बच्चों फिल्टर करते हैं कहाँ पर? आपकी आपकी एज अ मशीन में, जिसका मशीन का नाम बच्चों क्या है? डायलिसिस, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग कंडक्ट कराते हैं जिस टाइम आपकी किडनी बच्चों क्या हो जाए, या फिर हम किडनी को बच्चों क्या बोलते हैं? रीनल। जिस टाइम आपकी रीनल बच्चों क्या हो जाए? फेल हो जाए। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों को? इतनी सी बात स्टार्ट कर लें बिना किसी रुकावट के, कि किस तरीके से आपका ब्लड आपकी आर्टिफिशियल किडनी यानी कि डायलिसिस मशीन में कैसे फिल्टर होता है, किन किन प्रोसीजर से गुजरता है, वो सब हम देखेंगे आज की वीडियो में। लेट्स सी, चलो। तो बच्चों अगर आप लोग देखोगे डायलिसिस जो हम लोग कराते हैं बच्चों, तो वो हम क्या कराते हैं, हमारी रीनल क्या हो जाए बच्चों? रीनल फेल, यानी कि हमारी रीनल, रीनल वर्ड जो है बच्चों किसके लिए यूज किया गया है बच्चों? किडनी के लिए यूज किया गया। किसके लिए यूज किया गया? किडनी के लिए। तो जिस टाइम पे आपके बच्चों किडनी फेल हो जाती है, तब हम उसको बच्चों क्या बोलते हैं? रीनल फेलियर। क्या बोलते हैं बच्चों? रीनल फेलियर। अच्छा, अब देखो इसमें क्या होता है, तो रीनल फेलियर कैन अकर ड्यू टू द मेनी रीजन। तो बच्चों किडनी के फेल होने के बहुत सारे रीजन हैं, किडनी के फेल होने के बहुत सारे रीजन हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो सुनो, बाय एक्सीडेंटल इंजरी, कोई भी आपका एक्सीडेंटल केस हो जाए या फिर कोई इंजरी हो जाए, है ना, तो बच्चों आपकी किडनी फेल हो सकती है। प्लस डिजीज, भाई कोई भी रिगार्डिंग, जैसे कहते ना गुर्दे गल गए दारू ज्यादा पीने से, है ना, लिवर फेल हो गया या गुर्दे गल गए आपके, तो आपके गुर्दे गल जाएंगे। गुर्दे बच्चों हम लोग एज अ मूवियों में आपने सुना होगा, गुर्दे ही वर्ड यूज करते हैं हम लोग इसके लिए, ठीक है। वैसे हम लोग रीनल बोल सकते हो, आप लोग किडनी बोल सकते हो। तो जिस टाइम पे आप लोग ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हो या फिर मोर अमाउंट में अल्कोहल का सेवन करते हो, तो जिस टाइम पे अल्कोहल के फिल्ट्रेशन के दौरान आपके गुर्दे जो आपके एज अ किडनी, जिनको हम लोग रीनल भी बोलते हैं बच्चों, वो कहीं हद तक अपना वर्क प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाती हैं बच्चों। एक बार का इंसिडेंट है, देखो मोस्टली लोग समझते नहीं है इस चीज़ को, बट इस चीज़ का वैसे ध्यान रखें कि अल्कोहल जो होता है आपका बच्चों मैक्सिमम अमाउंट में, यानी कि जब एक्सेस अमाउंट में अगर आप लेते हो, तो कहीं हद तक आपकी हेल्थ पे बहुत बुरा असर डालता है बच्चों, है ना। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूंगा, आज बेस्ट एग्जांपल दूंगा कि आप देखना कभी भी कि आप जो अल्कोहल जो भी है, अल्कोहल का सेवन आप जो कर रहे हो, जो भी कच्ची दारू या फिर जैसी भी दारू आप पीते हैं लोग, आप ना उसको कभी किसी पीतल के बर्तन में बच्चों रखना, ठीक है। उसको पीतल के बर्तन में रखने के बाद उसको आप है क्या 12 आवर यानी कि फुल नाइट के लिए रखे रहने देना। जब आप बच्चों उसको मॉर्निंग में एज अ खाली करके देखोगे, तो बच्चों उस पर एक बहुत कर्रा दाग बन जाएगा, एक बहुत कर्रा धब्बा बन जाएगा पीतल के बर्तन पे, ठीक है। आप ना कितना भी धोना भाई साहब, वो दाग जो धब्बा जिस पर पड़ जाता है एक बार, वो बच्चों काफ़ी स्ट्रांग धब्बा पड़ता है उस पर, है ना, काफ़ी स्ट्रांग। तो हम कह सकते हैं कि जब पीतल के जो मेटल है आपका, जो पीतल का बर्तन है आपका, जब बच्चों है उस पर जब इतना इतना टाइट असर करती है अल्कोहल आपकी, तो बच्चों ये तो आपका स्टमक है ना, स्टमक एज अ ऑर्गन है जो कि टिश्यूज का बना हुआ है, ठीक है। अगर आप उसमें अल्कोहल डालोगे, तो बच्चों कहीं ना कहीं एज अ हार्मफुल इम्पैक्ट आपके गुर्दे पर या किडनी पर या रीनल पर पड़ेगा ही पड़ेगा बच्चों, है ना, जिसकी वजह से आपकी किडनी बच्चों कही जाती है फेल होने के भी चांसेस बने रहते हैं। तो बच्चों वैसे ध्यान रखें कि कोशिश करें कि लोगों को एक्सेस अमाउंट में जागरूक करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ ना करें। तो ये एज अ एक्स्ट्रा ज्ञान था जो देना बहुत जरूरी था, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। तो बच्चों
आपकी किडनी जो होती है किसी डिजीज की वजह से ही फेल हो सकती है, किसी एक्सीडेंट की वजह से फेल हो सकती है, या फिर कोई इंजरी हो जाए बच्चों, किसी भी तरह की इंजरी हो जाए, तब ऐसे केसेस में आपकी किडनी जब प्रॉपर काम नहीं कर रही होती है, किडनी का मेन काम ही है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। बच्चों किडनी का मेन काम क्या है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड और यूरिन का फॉर्मेशन करना, ठीक है, ये काम है किडनी का मेन। प्लस किडनी का दूसरा काम भी है बच्चों टू मेंटेन ऑस्मो रेगुलेशन। बच्चों क्या मेंटेन करती है किडनी आपकी? ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करती है। ऑस्मो रेगुलेशन मैंने बच्चों आपको बता रखा है, मैंने अगर आपको आइडिया ना हो तो आप लास्ट लेक्चर देख सकते हो ऑस्मो रेगुलेशन में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऑस्मो रेगुलेशन का बच्चों मतलब ही यही होता है कि किस तरीके से आपकी बॉडी में जो वाटर लेवल है, सोडियम पोटेशियम लेवल है, जो आपकी बॉडी का मेंटेन रह सके, है ना, उसके लिए कुछ सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं जो कि ये इन्फॉर्मेशन को कैरी करती हैं एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए। जैसे कि हमारी बेस्ट इसमें सेल है वो कौन सी बच्चों? आरबीसी है, जो कि इन्फॉर्मेशन कैरी करती है ब्रेन से लेकर सब जगह पर फैलाती है, ठीक है। तो ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी किडनियाँ, है ना। प्लस अब अगर आपकी किडनी एक्सीडेंटली इंजरी हो गई है, फेल हो गई है या खराब हो चुकी है, तब ऐसे केस में बच्चों क्या होगा? तब ऐसे केस में डॉक्टर्स क्या करते हैं बच्चों? एज अ प्रेफर कर देते हैं कि हाँ भाई लिख के दे देंगे कि आपको डायलिसिस करानी है। डायलिसिस क्या होती है बच्चों? एक मशीन होती है, ठीक है, एक फ्रीजर, आपके घर में फ्रीजर होता होगा समथिंग इतना बड़ा, है ना, उस फ्रीजर जैसी मशीन होती है बच्चों, है ना। मैंने खुद करवाया है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा तो मैं बहुत अच्छे तरीके से, है ना। तो एक इतनी बड़ी मशीन होती है बच्चों आपकी, ठीक है, उस इतनी बड़ी मशीन है, फ्रीजर जैसी मशीन होती है, उसमें एक आपकी परमिएबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है, डायलिसिंग सॉल्यूशन पाया जाता है, जो कि आपका एक तरफ से आपकी आर्टरी जो होती है ब्लड को वो लेती है और वेन के थ्रू ब्लड को वापस चढ़ाया जाता है आफ्टर फिल्टर होने के बाद, है ना। अब वो प्रोसेस कैसे चलता है वो हम देखेंगे बच्चों, है ना। प्लस एक और चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, चलो पहले पढ़ा देता हूँ उसके बाद बताते हैं, ठीक है। देखो तो आप क्या देखोगे, सो जब आपकी किडनी फेल हो जाए तब हम लोग क्या करते हैं, सो आइदर ट्रांसप्लांटेशन इज डन और आर्टिफिशियल किडनी ऑन डायलिसिस। तो बच्चों जब आपकी किडनी फेल हो जाए या इंजरी हो जाए या काम नहीं कर रही हो, तब ऐसी कंडीशन में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो क्या बच्चों कि आप क्या करो, ट्रांसप्लांटेशन करा दो, यानी कि अपने किसी भी फैमिली मेंबर से क्या ले लो, किडनियां ले लो, जिससे कि ट्रांसप्लांट हो जाए, झंझट ही खत्म। या फिर आप क्या करो बच्चों, आर्टिफिशियल किडनी का यूज करना पड़ेगा। तो आर्टिफिशियल किडनी बच्चों किसको बोलते हैं हम लोग? डायलिसिस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? डायलिसिस को, जो कि आपका जो ब्लड है वो फिल्टर होता है। बच्चों डॉक्टर्स टाइम ड्यूरेशन दे देते हैं कि आपने अगर आज फिल्टर किया है, आपने अगर आज ब्लड फिल्टर कराया तो आपको एक हफ्ते बाद आना है। वो डिपेंड आपकी इम्यूनिटी पर करता है कि आपका ब्लड कितने दिनों में आपका एज अ वेस्ट प्रोडक्ट में, एज हम कह सकते हैं एज अ एक कंटेमिनेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर्स क्या करते हैं बच्चों? टाइम ड्यूरेशन दे देते हैं कि आपको इतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर आके आपको डायलिसिस कराना पड़ेगा, अगर आप नहीं करोगे तो हो सकता है कि आप निकल लो, ठीक है। तो इसलिए कराना पड़ता है ना। तो देखो हम लोग कैसे कराते हैं, तो बच्चों देखो सुनो ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लोग ब्लड लेते हैं फ्रॉम रीनल आर्टरी से। किससे ब्लड लेते हैं? रीनल आर्टरी से। तो बच्चों रीनल मतलब किडनी की, आर्टरी मतलब किडनी की आर्टरी, ठीक है। तो किडनी की आर्टरी से हम लोग बच्चों क्या लेते हैं? ब्लड लेते हैं, पासिस फ्रॉम सेलुलोज ट्यूब। अब बच्चों कहाँ से पास करते हैं? सेलुलोज की बनी हुई ट्यूब होती है बच्चों। कैसी होती है? सेलुलोज की बनी हुई ट्यूब जो कि परमिएबल होती है नेचर। इम्प्योर सबस्टेंस डिफ्यूजेस, उसकी वजह से जो आपकी सेलुलोज की ट्यूब है उसमें जितने भी आपके इम्प्योर सबस्टेंस हैं वो बच्चों सब क्या हो जाते हैं? डिफ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सबके सब डिफ्यूजेस हो जाते हैं बच्चों आपके, है ना। तो सारे मटेरियल जितने भी वो सबके बच्चों क्या हो जाते हैं? आपके डिफ्यूज हो जाते हैं सब, यानी कि हम कह सकते हैं एज अ हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में चले जाते हैं आउट इंटू डायलिसिंग सॉल्यूशन, और आपका बच्चा बच्चा कहाँ पर चला जाता है? डायलिसिंग सॉल्यूशन से मिल जाता है। एंड प्योर सबस्टेंस डिफ्यूजेस इंटू ब्लड, और जो आपके प्योर सबस्टेंस वापस से बच्चों कैसे मिल जाते हैं? ब्लड के अंदर। हैंस ब्लड गेट्स प्यूरिफाइड, जिसके बाद आपका ब्लड बच्चों क्या हो जाता है? प्यूरिफाई हो जाता है एंड पुट बैक इनटू द रीनल वेन, और रीनल वेन के थ्रू वापस बच्चों कहाँ चला जाता है? आपकी बॉडी के अंदर। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, तो बच्चों ध्यान से देखना आप लोग, है ना। ये आपकी रीनल आर्टरी है बच्चों। क्या आपकी रीनल आर्टरी? तो सबसे पहले ब्लड जो होता है वो रीनल आर्टरी से आता है। किससे आता है? रीनल आर्टरी से। रीनल आर्टरी जो होता है वो ऊपर जाएगा, ऊपर से यहाँ जाएगा, और आपकी यहाँ से होता हुआ आपकी इस मशीन में पहुँचेगा बच्चों, है ना। इस मशीन में है सेलुलोज की मेम्ब्रेन्स की लेयर्स, आपकी किसकी लेयर है बच्चों? आपकी सेलुलोज की, जो कि नेचर से कैसी है? परमिएबल, जो कि चीज़ों को हायर कंसंट्रेशन कहा लेके जाएंगे लोअर कंसंट्रेशन में। तो बच्चों जितना भी आपका कंटेमिनेटेड ब्लड होता है वो सब आपका फिल्टर हो जाता है, ठीक है, और आपका इसमें आपका जो फ्रेश डायलिसिंग सॉल्यूशन है वो बच्चों ब्लड के साथ में क्या होता है? मिक्स होता है। और जब वो मिक्स होगा और बच्चा आपका कहाँ चला जाएगा? यानी कि यूज डायलिसिंग सॉल्यूशन वो सब आपका इकट्ठा होकर यहाँ पर आ जाएगा, है ना। और बाकी का जो रिमेनिंग आपका जो ब्लड होगा वो सब ऊपर से गिरेगा आपका, और धीमे धीमे छंदे 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 क्या जाएगा? सेपरेट हो जाएगा, और सेपरेट होकर आपके लाइन ऑफ वेन के थ्रू बच्चों वापस कहाँ चला जाएगा? आपकी बॉडी के अंदर। तो इस तरीके से प्रोसीजर चलता है। इस प्रोसीजर में बच्चों 12 घंटे का टाइम भी लग सकता है, मोर देन 24 आवर्स का टाइम भी लग सकता है, ठीक है।
तो मैं आपको देखो फिर से बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुनना आप लोग, कि सबसे पहले बच्चों ब्लड किस में आता है, आर्टरी में, रीनल आर्टरी में आ लेते हैं। रीनल आर्टरी आपकी सीधे आगे मशीन के ऊपर छोड़ देती है, ठीक है। यहाँ से ब्लड जो है आपका इन लेयर्स होकर गुजरता है बच्चों, इन सब लेयर्स होकर, ठीक है, इन सब लेयर्स होकर गुजरेगा, सब लेयर्स होते हुए आपका, है ना, और सेलोज की मेम्ब्रेन में परमेबल की तरह डिफ्यूजन की तरह चार्ज होता रहेगा। प्लस इधर से अगर आप देखोगे तो आपका फ्रेश डाइल्यूट सॉल्यूशन बच्चों वो भी मिलता रहेगा इसमें, और जो आपका जो डाइल्यूट सॉल्यूशन जो यूज हो चुका है जिसके से ब्लड आपका प्योर हो गया है, ठीक है, वो सब आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन आपका एक अलग कंटेनर में इकट्ठा हो जाएगा, है ना, और रिमेनिंग जो भी प्योर ब्लड निकल के आएगा बच्चों, पूरा पूरा प्योर ब्लड आपका रीनल वेन के थ्रू बच्चों कहाँ बन जाएगा, आपकी किडनी में, रीनल वेन में बन जाएगा, ठीक है बच्चों। और उसके बाद बच्चों रीनल वेन से होता हुआ सुपेरियर वेना का आवाज, सुपेरियर वेना से होता हुआ बच्चों कहाँ बन जाएगा, हार्ट के पास, और हार्ट कहाँ लेके जाएगा उसको बच्चों, हार्ट लेके पहुंचेगा कहाँ पर, लंग्स के पास, वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैस होने के बाद आपका रिटर्न हार्ट में आएगा और पूरी बॉडी के लिए सप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बच्चों आपका ब्लड जो है वो डायलिसिस मशीन बच्चों क्या होता है, फिल्टर होता है, क्लियर है इतना। चलो इसके बाद हम लोग आते हैं डायलिसिंग एज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग स्मॉल मॉलिक्यूल्स। देखो सुनो, डायलिसिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बच्चों सेपरेटिंग ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जितने भी स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं उनको बच्चों आप लोग क्या करते हो, सेपरेट करते हो, किससे, फ्रॉम लार्ज वंस, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे आप क्या कर देते हो, अलग अलग कर देते हो, यूजिंग किसकी मदद से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की मदद से। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, हीमोडायलिसिस। हीमो का मतलब क्या है बच्चों, हीमो का मतलब है ब्लड, क्या मतलब बच्चों, हीमो का ब्लड, डायलिसिस मतलब उसको फिल्टर करना, ठीक है। तो डायलिसिंग मशीन कंसिस्ट ऑफ अ सेलुलोज, जो डायलिसिंग मशीन है बच्चों किससे मिलकर बनी हुई है, सेलुलोज से मिलकर बनी हुई है, सेलुलोज एक ट्यूब से बनी हुई है, देखो बहुत सारी सेलुलोज की ट्यूब है इसमें, एंड है एंड हैज डायलिसिंग सॉल्यूशन फिल्ड इन द चैम्बर, और डायलिसिंग सॉल्यूशन बच्चों किसमें भरा हुआ है, चैम्बर के अंदर, है ना, जो कि आफ्टर फिल्टर होने के बाद ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है और इजीली ब्लड को प्योर करने के बाद आपका वापस रीनल वेन के थ्रू तो आपकी बॉडी में चला जाता है, ठीक है बच्चों। तो देखो सुनो, अब जो मैं आपको बात बताने वाला था वो ये थी कि डायलिसिस देखो कहने और सुनने के लिए ही अच्छा है, लेकिन अगर आपके ऊपर प्रैक्टिकली अप्लाई हो रहा है तो बच्चों काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं पेनफुल प्रोसेस होता है, काफ़ी ज़्यादा, है ना, पेनफुल प्रोसेस बच्चों क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो सुनो, आर्टरी और वेन को रप्चर करने के लिए हमें अच्छे खासे कैनुला लगाने पड़ते हैं। कैनुला मतलब क्या होता है बच्चों, इंट्राग्रेट, जो कि आपके वेन के अंदर या आर्टरी के अंदर हम लोग डालते हैं ना, आपने देखोगे बच्चों जो डॉक्टर्स के पास होते हैं नीडल्स ही होती हैं, ऐसे बोतल ड्रिप चलती है आपकी, ऐसे होते हैं। तो बच्चों एक बार अगर किसी वेन में लगा दिया है और अगर उस वेन में अगर ठीक से अगर वो नहीं गया अंदर तक इंसर्ट नहीं, क्योंकि कम से कम इतनी लंबी निडल होती है बच्चों उसकी, है ना, अगर आपकी प्रॉपर निडल अगर अंदर तक नहीं गई है तो आप उसको बाहर निकालोगे और बाहर निकालने के बाद आपको फिर नेक्स्ट टाइम दोबारा से अंदर डालने के लिए बच्चों आपको हर बार जगह क्या करनी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है, आप उस जगह पर दोबारा से नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर बच्चों क्लॉट बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, क्लॉट। तो यानी कि ये तो वो सब हो गया कि अगर वेन नहीं मिल रही है और हर बार ये प्रोसेस होने के बाद आपकी जो ब्लड वेसल्स होते हैं बच्चों श्रिंक हो जाती है, क्या जाती है, श्रिंक हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स का मिलना और ज्यादा बच्चों का ज्यादा टफ हो जाता है। तब ऐसी कंडीशन में अगर बार बार अगर आपके कोई निकाला फिर डालेगा, फिर से कोई सीना निकाले, फिर निडल, फिर से किसी ने निडल डाली, तो ऐसी कंडीशन भैया पेनफुल तो है ही है। ये तो वो साहब हो गया कि नरक के दरवाजे खुल गए, कौन से वाले, कि अगर तुमको जाओ इस कढ़ाई में डाल दी जाओ तुम्हें सूजे चुभने वाली, तुम्हें सजा मिलेगी, है ना, कुछ इस तरीके से। तो डायलिसिस प्रोसेस जो है आपका कहीं हद तक थोड़ा पेनफुल भी और हार्मफुल भी बच्चों, है ना। तो कोशिश करें लोगों को जागरूक करें कि वो कोशिश करें कि ज़्यादा अल्कोहल का सेवन ना करें, जिससे उनके जो किडनी है वो कहीं तक सेपरेटली अपना वर्क कर सके। सो बच्चों आज के लिए हमारे पास इतना ही कंटेंट था, ठीक है। अच्छा, हमेशा की तरह पूछने वाले में कुछ क्वेश्चंस जिनके रिप्लाई बच्चों आपको कमेंट सेक्शन में देना है। कुछ बच्चे मेरे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई नहीं देते हैं, तो बताओ देखो जब तक आप रिप्लाई नहीं दोगे तब तक मुझे कोई आइडिया नहीं चलेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा कितना समझ में नहीं आ रहा बच्चों, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोग बताओगे कि आप लोग मुझे बताओ कि कौन सी या फिर हम कहेंगे कि किस वेन या आर्टरी से ब्लड आता है और किस वेन या आर्टरी से ब्लड जाता है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बच्चों जो डायलिसिस है हम वो किन किन कंडीशंस में कराते हैं बच्चों, ये आपको आंसर्स देने हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए दो ही सवाल काफ़ी हैं। सो थैंक यू सो मच, आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इस चैप्टर को कंप्लीट फिनिश करेंगे आज बच्चों जितना हो सके। थैंक यू सो मच।